आइए फ्रेंड, आज बनाते हैं हम बहुत ही ज़बरदस्त सा एक एक दाना देखे खिला खिला सा पुलाव। और बहुत ही ज़बरदस्त ही पुलाव बन के रेडी हुआ है अंडे का। अगर आप लोग बनाएंगे, जब आप लोगों को पता लगेगा, देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है एक एक दाना खिला खिला सा। तो किस तरीके से बनाएं, आइए देख लेते हैं अंडा पुलाव रेसिपी। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जहाँ भी खुश आबाद और लतीफ़ ज़मानी हूँ, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ में हमारी आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड आइए, अगर आपको भी कुछ समझ में ना आए तो जल्दी से हम आज बनाने जाते हैं अंडे का वाइट पुलाव रेसिपी। जिसके लिए यहाँ पे एक बटाटा लेके मैंने इस तरीके से लंबे लंबे कट कर ली हूँ। तीन अंडे को मैंने बॉईल कर ली हूँ। यहाँ पे दो बड़ी प्याज कट करी हूँ। यहाँ पे कोथमीर है, ये तीखी वाली, तीन से चार हरी मिर्च है, ये फीकी वाली है, और एक टमाटर है। और यहाँ पे है सौंफ का पाउडर, धनिया का पाउडर, सौंफ पाउडर, और ये है मैगी क्यूब, ये गरम मसाला। यहाँ है धनिया ज़ीरा पाउडर, और यहाँ पे काली मिरी, दालचीनी, लौंग, बादियान फूल। ऑयल देखिए गरम हो गया है। अब इसके अंदर पहले मैं बटाटे जो रखी हूँ वो फ्राई करके निकालूँगी। पहले हम बटाटे को फ्राई कर लेंगे और साथ में ही इसके अंडे भी डाल देंगे। आप अगर ज़्यादा चाहे तो ज़्यादा ले सकते हैं। मैं तीन अंडे का बना रही हूँ थोड़ा। अगर आपके यहाँ ज़्यादा लोग हैं तो आप सब चीज़ की क्वांटिटी डबल कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छे से कलर आने देते हैं। बटाटे और अंडे दोनों के ऊपर अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, इसको हम निकाल देते हैं। और प्याज को पहले हम गोल्डन फ्राई करेंगे, बाद में गरम मसाला डालेंगे, ठीक है? तो मैं निकाल लूँगी। और प्याज को पहले थोड़ी फ्राई करके प्याज हम निकाल लेंगे, बाद में गरम मसाला डालेंगे। प्याज को अच्छा गोल्डन होने देना है आपको, अच्छा गोल्डन ब्राउन करेंगे। और प्याज जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाए, मैं इसके ऊपर अभी थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ कि जल्दी से प्याज का मॉइस्चर सूख जाए। नमक थोड़ा सा डालेंगे तो जल्दी से प्याज का मॉइस्चर सूख जाता है और इसके अंदर प्याज जल्दी से गोल्डन हो जाएगी। जलाना नहीं आपको, गोल्डन ही करना है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है जल्दी जल्दी में तो ये बनाइएगा, आप लोग एक टाइम ट्राई करिएगा। अगर अब तक नहीं ट्राई किया है तो बहुत ही मस्त बनता है, खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसके साथ में कोई रायता बना ले, कचुंबर बना ले। प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और काकड़ी बारीक बारीक काट के और उसके अंदर नींबू निचोड़ दें और नमक डाल दें, बस आपका कचुंबर बन के रेडी हो जाएगा। प्लेन कचुंबर अच्छा लगता है इसके साथ में। देखिए ये गोल्डन हो रही है, प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। ये मैं इसमें से थोड़ी निकाल लेती हूँ, हमें जो लगेगी बाद में। मैंने इसमें से थोड़ी सी प्याज ले ली। अब इसी के अंदर देखिए ये ऑयल गरम है, जो मैंने आपको सारे गरम मसाले बताई थी। अब इसके अंदर खाली मैंने जीरा ऐड करी है और कुछ नहीं। जैसे मसालों की अच्छी खुशबू आने लगी थी, इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। बासमती चावल को मैंने आधा घंटा पहले भिगा दिया।
अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भूनेंगे। एक अच्छी महक चली जाए इसी के साथ में जो ये मैंने मिर्ची रखी है उन्हें डाल दूंगी। करी पत्ते हैं और टमाटर, सिंपल सा है, कोई ज़्यादा मसाले नहीं है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी है। यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको बताई मैगी क्यूब, सौंफ का पाउडर, गरम मसाला, अब इसके अंदर डालेंगे हम धनिया पाउडर 1 से 1.5 टीस्पून। मुझे अंदाज़ा है, मैंने अंदाजे से डाल दिया, अगर आपको अंदाज़ा ना हो तो आप चमची का यूज़ करिएगा। नमक डाल देंगे, मैगी क्यूब में भी नमक होता है, टेस्ट के हिसाब से डालेंगे नमक अपने। दही डालेंगे और मसाले को बहुत ही अच्छे से भून लेंगे। देखिए माशाल्लाह मसाला देखिए बहुत ही अच्छे से भुन गया। मैं इसके अंदर क्रीमी टेक्सचर आने के लिए 1/2 कप मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो डालिएगा लेकिन ट्राई ज़रूर करिएगा, पुलाव में बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर आता है। मसाला अब एकदम परफेक्ट रेडी है, इससे हम डाल देंगे कोथमीर कटी हुई, और यहाँ पे मैंने जो चावल रखी है, चावल डाल देंगे। चावल को मैंने 1/2 घंटे से भिगा चुकी हूँ। माशाल्लाह इसमें मैं अभी 1 गिलास पानी डालूंगी। देखें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करूंगी क्योंकि पुलाव हमको एकदम खिला खिला चाहिए, तो 1/2 गिलास खाली इस्तेमाल हुआ इसमें पानी। डाल देंगे कटी हुई कोथमीर और इसको भी हम ढक देते हैं। चलिए आइए देखते हैं, 10 मिनट हो गया, मैंने अभी तक इसको खोली नहीं। ये देखिए माशाल्लाह पानी इसके अंदर एकदम परफेक्ट हो चुका है, हम पानी नहीं डालेंगे इसके अंदर अभी। अब इसको दम पे रखती हूँ मैं, ये देखें जो कोथमीर कटी हुई है वो डाल देंगे, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाली हूँ, थोड़ा सा जलेबी का रंग डाल दी हूँ, और जो मिर्च एक रखी थी मैंने, और यहाँ पे थोड़ी सी प्याज है, ये बटाटे अभी थोड़े कसर इसमें बाकी है तो ये भी इसके अंदर सब हम इस तरीके से रख देंगे। यहाँ पे इस तरीके से अंडे हैं रखेंगे और इसको 10 मिनट तक का दम दे देंगे। 10 मिनट तक आपको इसको दम पे रख देना है।
बस 10 मिनट के 15 मिनट तक का इसको दम पे रहने दे, बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे। फ्रेंड देख लेते हैं, माशाल्लाह ये देखें, माशाल्लाह देखें, देखिए चावल खिला खिला सा। ये देखें गैस को कर देंगे बंद और फिर आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त। मैं इसके से पहले ये सब ये अंडे है हटा लूँगी क्योंकि हम ऊपर रखेंगे बाद में। ये देखें माशाल्लाह, ये देखिए आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त गजब की इसके अंदर महक आ रही है। तो आप लोग तो नहीं इसकी खुशबू महसूस कर सकते हैं लेकिन बनाना ज़रूर मेरी रेसिपी, तो मुझे याद करोगे। बहुत ही ज़बरदस्त, कोई बोलेगा नहीं ये अंडे का पुलाव है, इसके आगे मटन का पुलाव भी फेल है। आइए इसकी प्लेटिंग करके दिखाते हैं आपको। देखते हैं फ्रेंड, अब ये जो कटी हुई कोथमीर है मेरे पास, इसे डाल दी थोड़ी सी, और ये तला हुआ फ्राई प्याज है जो हमने निकाले थे, अभी डाल दिए थोड़ी सी, मैंने बचा के रखी थी। अब देख सकते हैं आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मेरा पुलाव बन के रेडी हुआ है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह, एक चावल देख सकते हैं आप लोग, और कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये अंडे का पुलाव है। अगर आज आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे हैं तो अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगे तो लाइक करके बताइएगा, नहीं अच्छी लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, तो हमें पता लगेगा कि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है कि नहीं, ठीक है। और आपके लाइक से कमेंट से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड, तो ऐसी अच्छी रेसिपी के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे सब में पहला नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। इंशाल्लाह फिर एक ऐसे रेसिपी के साथ में मिलूँगी। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।